काश मैंने वक्त पे पढ़ लिया होता काश मैंने सुपर टीचर्स की सुन ली होती काश मैंने नेवर अगेन सेल में सुपर कोचिंग ले लिया होता अब रिग्रेट नहीं अपना फ्यूचर सेट करो विद नेवर अगेन सेल जहां आपको मिलेगा 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस 27 से 30 अप्रैल साथ ही साथ टेस्टबुक पास आपको मिलेगा सबसे कम दाम विद डबल वैलिडिटी यानी टू ईयर टेस्ट बुक पास आपको मिलेगा सिर्फ रूपीज टू फोर्टी नाइन में तो अगर आप एस एस सी ई पी एफ ओ यू पी एस सी डिफेंस स्टेट पी एस सी इंजीनियरिंग टीचिंग एंड बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू योर ईपीएफओ पी एफ ओ क्लास वन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर हिस्ट्री यहां पे हम जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको डेफिनेटली uh, जो आपका ईपीएफओ का ई ओ ए का एग्जाम है उसमें हेल्प करेगा और साथ ही साथ में आपका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का हिस्ट्री है उसमें भी हेल्प करेगा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सो डू ज्वाइन द सेशन एंड वी विल स्टार्ट ओके okay. सो so, एक आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ईपीएफओ का टेलीग्राम चैनल है स्पेसिफिकली ठीक है तो क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर एट द रेट टेक्स्ट बुक यूपीएससी ई ये सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जो इसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी तो जितना भी आपका ईपीएफओ का कंटेंट है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपका लेबर लॉस का क्लास चल रहा है साइंस का क्लास है आपका कंप्यूटर्स का क्लास है आपका ये हिस्ट्री का क्लास है या और भी इकोनॉमिक्स वगैरह के जो आपके क्लासेस चल रहे हैं जितना भी आपका ई पी एफ ओ का मटेरियल है पी डी एफ वगैरह है या कुछ भी अपडेट्स है वो आपका इस चैनल पर शेयर हो जाएगा तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एट द रेट टेक्सट बुक यूपीएससी ई पी एफ ओ सर्च करके या क्यू आर कोड को स्कैन करके चलिए हम इस लेक्चर को आगे लेके जाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है डू मी अ फेवर अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इसके अलावा एक और काम करना है आपको और वो क्या है आपको इस ले, लेक्चर के लिंक को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन अस ओके सो डू शेयर द लिंक एंड देन वी विल स्टार्ट चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू

फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दिस मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द किसान सभा इस आंदोलन को किसान सभा ने आयोजित किया था दूसरा इट वाज अगेंस्ट द जोतेदारों एंड द मनी लैंडर्स यह जोतेदारों और साहूकारों के खिलाफ था तीसरा इट वाज लेड बाय स्वामी सदानंद सो so, यहां पे मुझे बहुत सारे लोगों का आंसर जो है वो बी मिल रहा है एनी वन स्टिल वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर स्टिल वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर See, those who are answering this as. Those of you who are answering it as C, 1 and 2, that is the correct answer. सो so, इसका आंसर जो है वो सी है अब आपको यहां ध्यान रखना है तिभागा मूवमेंट हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब वी वर ऑन ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस जब हमें आजादी मिलने वाली थी उसी समय की बात है वर टू गोइंग ऑन वन द तिभागा मूवमेंट एंड दर वॉज द तेलंगाना प्रेजेंट मूवमेंट तिभागा मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ बंगाल के अंदर काफी एक्टिव था बेसिकली बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्थायी बंदोबस्त के चलते क्या हुआ था कि जो विलेज के अंदर आपके जो रिच पेजेंट्स हैं जो गांव में ही रहते थे है ना ये काफी पावरफुल होते गए इनको जोतेदार कहते थे तो जोतेदार जो कि गांव में ही रहते थे ये काफी पावरफुल होते गए इनके कमांड में बहुत सारा एरिया जो है वो आता गया ये लोग यहाँ पे मनी लैंडर की तरह सूदखोर या ब्याजखोर जो है उसकी तरह भी काम करते थे साहूकार की तरह है. और आप यहाँ पे क्या देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो जमीन है इस पे जो पहले ओरिजिनल कल्टीवेटर्स होते थे जो किसान होते थे जो आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर टेनेंट बन गए थे अपनी ही जमीन पे किराएदार ये लोग इनकी जमीन पे काम करते थे तो आप क्या देख रहे हो बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 से कॉर्नवालिस के टाइम पे लागू किया जाता है एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो जमींदार है उनको मालिक बना दिया जाता है बट ये जमींदार मोस्टली कैसे थे सिटीज में रहते थे है ना और इससे एबसेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है वो काफी प्रमोट हुआ लेकिन इसी में अगर आप विलेज स्ट्रक्चर में देखो तो जोतेदार होते थे जो मिडिल लेवल के फार्मर्स हैं लेकिन धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ये पावरफुल होते गए ये मनी लैंडर की तरह भी काम करते थे तो जब किसान को अपना रेवेन्यू भरना होता था कैश के अंदर टाइम पे तो उसके पास में सफिशियंट अमाउंट होता नहीं था वो जोतेदार या मनी लेंडर के पास जाता था अपना लोन लेने जोतेदार जो है उसकी जमीन को गिरवी रख लेता था है ना सो दैट पेजेंट हैड टू कीप हिज लैंड मॉर्जगेज टू दी जोतेदार एंड नाउ ये जोतेदार अगर किसान टाइम पे अपना रिटर्न नहीं दे पाता है तो उसकी जमीन को हड़प लेता था धीरे धीरे जोतेदार जो है इनका लैंड के एक बहुत बड़े हिस्से पे कंट्रोल होने लगा और ये काफी पावरफुल हो गए तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि जोतेदार भी हैं मनी लैंडर भी हैं और मोस्टली जो गाँव से ट्रेडिंग का काम होता है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से प्रेजेंट क्लास जो है वो इनपे डिपेंड हो गई थी दूसरी तरफ आपके टेनेंट्स या जो शेयर क्रॉपर हैं वो थे अब ये शेयर क्रॉपर क्या करते थे ये जोतेदार की जो जमीन है इसको रेंट आउट करते थे और इसके ऊपर कल्टीवेट करते थे खेती का एक हिस्सा जो है वो इनको देना पड़ता था जोतेदार को और धीरे-धीरे क्या हो गया था कि ये जोतेदार जो है जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता था उसका हाफ क्लेम करने लग गए थे आधा एक फ्लड कमीशन बिठाया गया और इस फ्लड कमीशन ने कहा कि ये सही नहीं है जोतेदार जो है उसको केवल 1/3 मिलना चाहिए एक तिहाई भाग मिलना चाहिए टोटल प्रोड्यूस जो टोटल प्रोड्यूस है उसका देन हाफ। अब यहां से क्या हुआ? जो उसने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसका पूरा सपोर्ट था स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो यूथ है उनका काफी अच्छा सपोर्ट था आपके जो जोतेदार हैं इनको तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फ्लड कमीशन ने भी यही रिकमेंडेशन दी है कि ये सही नहीं है कि आप आधा भाग जो है वो जोतेदार को दे दे रहे हो वन थर्ड तक सही है अब इससे जोतेदार और आपके जो ये मनी लैंड सॉरी आपके जो ये हैं शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स जो हैं बारगादार्स जो हैं जिनको बारगादार्स या बागचीज कहा जाता था या अड़ियार्स भी कहते थे ये तो खुश हो गए कि यस ये तो बिल्कुल सही बात है है ना हम कल्टीवेट कर रहे हैं हम पूरा लेबर लगा रहे हैं तो फिर जोतेदार का आधा शेयर कैसा उसको केवल उसके रेंट के लिए वन थर्ड मिलना चाहिए तो इनके जो डिमांड इसको सपोर्ट कौन कर रहा है वहां पे बंगाल की जो प्रोविंशियल किसान सभा है वो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और उसके जो यूथ एक्टिविस्ट है वो मेजरली आप देखोगे की आपका जो तिभागा मूवमेंट है इसके अंदर राजवंशीज ये जो लोअर कास्ट है इसके मेंबर्स इन्वॉल्व थे और मुस्लिम्स ने भी इसको बढ़ चढ़ करके काफी अच्छे से सपोर्ट किया था क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो मोस्टली इस एरिया में टेनेंट्स थे वो लोग यहां पे आपके या बातचीत थे तिभागा मूवमेंट की ये जो डिमांड है ये बाद में एक्सेप्ट कर ली गई है ना आ, हम देखेंगे आज़ादी के बाद में एक बिल लाया गया और इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन अगर आप देखें कि ये मूवमेंट जो है ये 46 आ, आपके 46 47 का बात है और धीरे धीरे ये कमजोर पड़ गया था तो इसके रीजनस क्या थे मुस्लिम लीग जो है उसने कहा कि कल को अगर हमारा पाकिस्तान मिल जाता है तो हम एक बारगाारी बिल लाएंगे और जितने भी आपके ये बारगादार्स हैं बागचीज हैं शेयर क्रॉपर्स हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे फिर हिंदू महासभा जो है उसका बंगाल के पार्टीशन को लेकर के जो डिमांड था कि नहीं अगर आप रिलीजन के नाम पे इनको पाकिस्तान देने को तैयार है तो आप बंगाल को भी पार्टीशन कर दो हिंदू जो बंगालीज हैं वाई दे शुड गो विद ईस्ट पाकिस्तान जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट हैं कम्युनल रायट्स वगैरह है ना हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे और ऊपर से गवर्नमेंट का सप्रेशन भी बहुत ज्यादा था तो ऐसे में आपका तिभागा मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया बट बाद में इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन वो आजादी के बाद किया गया तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं तिभागा मूवमेंट चलो फाइन पॉइंट को एक बार रिवाइज करते हैं तिभागा मूवमेंट आजादी के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट प्रेजेंट मूवमेंट है उनमें से एक है दूसरा तेलंगाना था तिभागा मूवमेंट आपके नॉर्थ बंगाल में स्पेशली काफी जोर शोर पे था काफी एक्टिव था राजवंशीज जो लोअर कास्ट है मुस्लिम्स वगैरह इसमें काफी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके जो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और उसके जो यूथ एक्टिविस्ट हैं उनका अच्छा खासा सपोर्ट था आपके बारगादार्स, बागचीज या अड़ियाज़ जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको और इनकी डिमांड क्या थी इनकी डिमांड थी कि शेयर क्रॉपर जो है वो टू थर्ड शेयर रखेंगे और वन थर्ड केवल जोतेदार को दिया जाएगा निज खमारे धान तोलो अपने गोडाउन पे अपने थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाकर के हम जो है धान को तोलेंगे और एक शेयर जोतेदार को देंगे अब से हम अपना धान लेके जोतेदार के यहां नहीं जाएंगे फ्लड कमीशन ने ऑलरेडी इनको सपोर्ट कर दिया था धीरे धीरे मूवमेंट के वीकनेस के कुछ कारण है जिसमें आपके कम्युनल क्लैश एक रीजन है मुस्लिम लीग और उसका जो बारगा बिल है वो एक रीजन है हिंदू महासभा की बंगाल के पार्टीशन को लेकर के जो डिमांड थी वो एक रीजन है इज दिस क्लियर सो वन एंड टू बोथारकर एक्ट दिस इज रॉन्ग स्वामी सदानंद कहा जाता है स्वामी विवेकानंदा जी जो है उनके एक डिसाइपल थे और आपके राम कृष्ण परमहंस प्रा, जो मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किए हैं आज ही आपने फीस पे किए तो आप एक दो दिन रुक जाइए फिर आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप अपना वो कर दीजिएगा ईमेल आईडी मैसेज कर दीजिएगा और फ़ोन नंबर तो वो हम अपनी टेक्निकल टीम को जो कोर्स एक्टिव करती है उसको प्रोवाइड कर देंगे वो आपके कोर्स को एक्टिव कर देंगे ओके चलिए With reference to the history of India, the Khunt Kati system or the joint tenures is the description of which of the following events Munda Ulgulan, Santhal Rebellion, Khont Uprising, or Ramosi Peasant Uprising. हाँ हाँ टेंशन नहीं लेना है यार वो एक दो दिन में एक्टिव होता है आपने आज ही फीस पे किए ना कल एक्टिव हो जाएगा कल परसों तक हो जाएगा ठीक है टेंशन नहीं लेना है वो हो जाता है एक दिन तो लगेगा ना प्रोसेस होने में सो so, यहाँ पे ऑलरेडी वी आर गेटिंग आंसर मुंडा उलगुलन है ना मुंडा उलगुलन सो so, जब हम पढ़ रहे थे क्लास के अंदर तभी भी हमने पढ़ा था किस तरीके से आपके मुंडाज कहां पे मिलते हैं आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड मुंडा जो ट्राइब है ये सदियों से है ना मुंडा ट्राइब्स जो है ये लोग सदियों से इस एरिया के अंदर रह रहे थे और आप क्या देखेंगे कि ये लोग खूंट कटी सिस्टम या जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड जो है इसको फॉलो करते थे यानी लैंड जो है वो किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था जो जमीन है वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था राइट वो पूरी जो क्लैन है वो मिल करके ओन करती थी लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया उन्होंने जब इस एरिया के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्थाई बंदोबस्त को लागू किया तो यहाँ पे नए नए फार्मर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जमींदार्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जो आकर के अब क्या कहते थे कि हम यहाँ पे ओनर हैं और आपको हमें टाइम पे रेवेन्यू पे करना पड़ेगा सो so, ब्रिटिशर्स का जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है इस एरियाज में उन उन्होंने आपका जो ट्रेडिशनल खून सिस्टम है जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड जो ट्रेडिशन था मुंडास का उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और मुंडास अपने ही एरिया में लेबर की तरह काम करने लगे इनसे हारी बेगारी मतलब फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था पहले इनको लगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे काम कर रहे हैं अगर हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, वो हमारी बात सुनेंगे और ये मिशनरीज हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बट जब इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर इन्होंने बिरसा मुंडा जो है उनकी लीडरशिप में एक रिवोल्ट डिक्लेअर कर दिया जिसको उलगुलन कहते हैं है ना उल गुलन कहते हैं इसको हम सरदारी लड़ाई के नाम से भी जानते हैं और इनका मेजर एजेंडा क्या था इनका मेजर एजेंडा था कि हम लोग ये जो ब्रिटिशर्स हैं और उनके जो ये एजेंट्स हैं है ना जिनको ये लोग डिकूज कहते थे आउटसाइडर्स जो कि मुंडास को एक्सप्लॉइट करते थे इनका शोषण करते थे जैसे मनी लैंडर हो गया ये जो नए फार्मर्स सिख फार्मर्स फार्मर्स या मुस्लिम पे आए थे जमींदार थे ब्रिटिशर्स के एजेंट्स थे रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे जो इनका कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपके ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये लोग थे तो जो भी मुंडास को एक्सप्लोइटेशन कर रहा है इनको ड्राइव आउट करके उस एरिया में मुंडा राज एस्टेब्लिश करना सो अगेन रिवाइजिंग द पॉइंट्स खूंटकी सिस्टम आपके मुंडास का ट्रेडिशनल सिस्टम था जहाँ पे लैंड जो है उसकी ज्वाइंट ओनरशिप होती थी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके इनकी ट्रेडिशनल जो कटी सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय किया मुंडास जो है इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया बहुत सारे आउटसाइडर्स इनके एरिया में आ गए इसीलिए बिरसा मुंडा की लीडरशिप में 1899-1900 वाला टाइम है मुंडाज जो हैं ये एक रिवोल्ट कर देते हैं जिसको द ग्रेट टिम्यूल्ट के नाम से जाना जाता है पर्पस क्या था जो हैं हैं जो आउटसाइडर्स उनको ड्राइव आउट करके मुंडा राज को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना इसको सरदारी लड़ाई के नाम से भी हम जानते हैं संथाल रिबेलियन एटीन फिफ्टी और ये आपके राजमहल हिल के जो संथाल ट्राइब्स हैं उन्होंने किया था आपको याद होगा सिद्धू और कानो माजी जो है इनके लीडर्स थे अगेन संथाल्स की भी लड़ाई वही थी कि जो आउटसाइडर्स आए हैं ये काफी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं संथाल ट्राइब के लोगों को इनफैक्ट आपका मुंडा उलगुलन में हमको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 को याद रखना है

पत्थल गड़ी या पत्थर गड़ी मूवमेंट चल रहा था उससे भी जुड़ा हुआ है उससे भी जुड़ा हुआ है ठीक है तो आप एक बार देख लीजिएगा संथाल मैंने आपको कहा था संथाल परगना एक्ट आता है है ना और जहां पे यह कहा जाता है कि संथाल जो ट्राइब है उनसे एक नॉन ट्राइब को लैंड ट्रांसफर करना इलीगल होगा खोन्ड कौन है आपको पता है खोंड ट्राइब आपके उड़ीसा वाले एरिया में थी बेसिकली ये आपके पूरा जो हिली एरिया है आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर आपको देखने को मिलेगी और जो इनमें एक प्रैक्टिस होती थी मारिया की मारिया मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस नरबली और अंग्रेज जो है वो इसको रोकने के लिए कह रहे थे तो चक्रा बिशोई जो है उनकी लीडरशिप में खोन्स जो है इन्होंने एक रिवोल्ट को डिक्लेयर कर दिया था रामोसी अपराइजिंग की अगर हम बात करें तो रामोशिस आपके महाराष्ट्र में थे है ना और ये लोग ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या जो कलोनियल रूल है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे तो रामोसी जो पेजेंट्स हैं ना रामोसी जो फार्मर्स हैं बेसिकली ये लोग मराठास के अंडर में थे लेकिन जब मराठास हार गए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में तो इस एरिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया रामोसिस जो है वो ब्रिटिशर्स के रूल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे और इसीलिए इन्होंने क्या किया चित्तूर सिंह जो हैं उनकी लीडरशिप में रिवोल्ट कर दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यस बेठ बेगारी बिल्कुल सिमरन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज विच ऑफ द आई हैव अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन सवा घंटा है लेट्स कंप्लीट इट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द चंपारण सत्याग्रह इज करेक्ट सो ये तो आसान है कर सकते हैं आप Easy question है है इसमें one and two. पढ़ लो भाई तुम लोग ठीक है पढ़ हंगर स्ट्राइक गांधी जी पहली बार कब करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे मतलब आई थॉट कि ये क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं करेगा बच्चों जैसा क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है So, आपको याद होगा कि जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं और जो टेक्सटाइल लेबर है अहमदाबाद में उनके बीच में एक झड़प सी हो गई थी उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था ये लोग क्या कह रहे थे आपके जो लेबर क्लास है कि आप हमारे बोनस को फिफ्टी परसेंट इंक्रीज कर दीजिए ये करने को तैयार नहीं थे मिल ओनर्स ठीक है so, सो पहले क्या था प्लेग बोनस दिया जा रहा था वर्कर्स को

है ना हम भी लॉकआउट कर देते हैं उन्होंने अपनी मिलों पे ताले लगा दिए अब बेचारा लेबर क्या करें उसको तो 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 समझ में आ गया कि मिल ओनर्स जो हैं वो तो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है तो धीरे धीरे बहुत सारे लेबर जो है वो काम पे वापस जाने लगे अब गांधी जी को लगा कि इस लेबर क्लास का मोराल बूस्ट करना बहुत जरूरी है तो गांधी जी ने फर्स्ट अपनी हंगर स्ट्राइक की थी फास्ट टू डेथ पहला आमरण अनशन जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे अनुसुया सारा भाई जो है वो इनको यहाँ पे हेल्प करने आई थी अंबालाल सारा भाई खुद एक बहुत बड़े टेक्सटाइल मिल ओनर थे फिर भी उनकी बहन लेबर क्लास की हेल्प करने आई थी गांधी जी के साथ में और यहीं पे आपका अहमदाबाद मिल मजूर संघ जो है उसको भी फॉर्म किया गया था अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो है राजकुमार शुक्ला यानी ओनली टू इज करेक्ट ठीक है यस चंपारण में तीन काठिया सिस्टम था आपको पता होगा जहां पर किसान को फोर्स किया जाता था कि आप अपनी जमीन के थ्री 3 ट्वेंटी पार्ट्स यानी ट्वेंटी पार्ट्स में से थ्री पार्ट्स में इंडिगो नील की खेती करोगे और उनसे मनमाने दाम पे है ना जो आपके ये हैं ब्रिटिश प्लांटर्स हैं या ब्रिटिश जो आपके मर्चेंट्स हैं वो मनमाने दाम पे फिर इंडिगो को खरीदते होते थे मार्केट प्राइस नहीं प्रोवाइड करते थे यहां के फार्मर्स को और ऊपर से क्योंकि आप क्या देख रहे हैं 1890s के अंदर जर्मनी की केमिकल इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो नील या इंडिगो को सिंथेटिकली डेवलप कर लिया जाता है सो so, बाजार के अंदर जो आपका ये रॉ इंडिगो है इसका प्राइस काफी क्रैश हो जाता है तो वैसे भी ये जो ब्रिटिश यूरोप या यूरोपियन जो प्लांटर्स हैं उनके लिए या ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए अब प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था तो देवर ग्रेजुअली विद्रॉइंग फ्रॉम दिस एरिया बट जाते जाते वो क्या कर रहे थे इलीगल ड्यूज कलेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारा ये बच्चा है वो बच्चा है ये बच्चा है और जबरदस्ती इसको कलेक्ट कर रहे थे देन गांधी जी हैड टू इंटरवीन क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने उनको इनवाइट किया था कि आप आइए इस तीन काठिया सिस्टम के अंदर जो लोग जो लोग हैं जो किसान हैं उनका काफी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ये गांधी जी का इंडिया के अंदर पहला सिविल डिसोबीडियंस था अवज्ञा क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटीज ने इनको ऑर्डर इश्यू किया था कि आप इंक्वायरी नहीं कर सकते गो बैक बट गांधी जी ने जब कहा कि नहीं मैं शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा हूं आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी ट्रबल आई एम नॉट लिविंग मैं कहीं नहीं जा रहा फाइनली ऑथोरिटीज एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाया गया गांधी भी उसके मेंबर थे और क्या कहा गया कि हाँ ये तीन काठिया सिस्टम जो इसको खत्म किया जाना चाहिए जितना भी इलीगल ड्यूज आपने कलेक्ट किया एटलीस्ट उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट आप किसानों को वापस दे दो ठीक है सो सेकंड ओनली इज करेक्ट यार ये तो काफी इजी है यार ये गलत नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट है ना अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है इसको थोड़ा सा नोट कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि जैसे गांधी जी जब चंपारण के लिए गए तो वो यहाँ पे किस किस से मिले या गांधी जी से अब गांधी जी का कौन कौन क्लोज हो गया कौन इम्पोर्टेंट पर्सनलिटीज हैं वो आपके नेशनल मूवमेंट से जुड़ गए तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मजहर उल हक महादेव देसाई नरहारी पारिक जेबी कृपलानी ब्रजकिशोर प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा है ना आपके रामनवमी प्रसाद एंड भूषण वर्मा शंभु भूषण वर्मा सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज है इनका थोड़ा सा नाम याद रखिएगा क्वेश्चन आते हैं ऐसे अच्छा यार हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बार देख लीजिए द बिग फाइनल सेल इज ऑन गोइंग जहां पे टेक्स्ट बुक का जो पास है टू ईयर का पास आपको 224 में मिलेगा और जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है जहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो आपको 539 में मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया पास O एन पी आर आई वाई ए पी ए डबल एस सोनप्रिया पास ठीक है इसके अलावा आपका जो ई पी एफ ओ ए और ए का कंबाइंड कोर्स है ये आपको केवल 2469 में मिलेगा यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करवाया जा रहा है आपके ईपीएफओ ईओ एओ का चाहे आपका लेबर लॉस हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया आपका फ्रीडम स्ट्रगल पॉलिटी इकोनमी जनरल साइंस कंप्यूटर अकाउंटिंग ऑडिटिंग करंट अफेयर्स सो एक पूरा जो प्रेपरेशन है सिंगल स्टेज पे होगा आपकी लाइव क्लासेस हैं बाकायदा क्लास में हिंदी इंग्लिश की स्लाइड्स है आपके लिए क्लास में बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन है एंड इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट पैकेज 2469 में मिल रहा है इसकी फोर मंथ्स की वैलिडिटी है आपको पता है टू सेकंड जुलाई को है ना 2 जुलाई को आपका पेपर है दो जुलाई को इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा केवल सोनप्रिया ठीक है एस ओ एन पी आर आई वाई ए लिंक डिस्क्रिप्शन में है इफ यू वॉन्ट टू परचेस यू कैन गो फॉर इट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी नाइन में कंप्लीट दोनों का प्रेपरेशन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज <coughs> यार ये तो इजी इजी से क्वेश्चन है इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग आंसर कीजिए ओके, सो लेट मी गो थ्रू इट नाउ, ऑफ़ द फॉलोइंग वाज़ द मेथड ऑफ रिवोल्यूशनरीज टू इंस्पायर पीपल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपके जो क्रांतिकारी हैं, है ना उनके द्वारा इनमें से कौन सा तरीका लोगों को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था चलो देखते हैं दे मेड सेवरल डिमांड फॉर रिफॉर्म एंड इंडर्ड इंडर्स इन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज यार वो रिफॉर्म के फेवर में थे ही नहीं वो हमेशा से कंप्लीट फ्रीडम के फेवर में थे सो so आपके जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का रिफॉर्म नहीं चाहते थे दे वांटेड कंप्लीट फ्रीडम और उसके बाद में हम अपने इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाएंगे यहां पे ये आपके मॉडरेट्स की पॉलिसी थी जो आपके नरमपंथी थे या जो आपके कांग्रेस के इनिशियल लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे उनका यह मेथडोलॉजी था कि गवर्नमेंट को क्रांतिकारी नहीं मॉडरेट इसको फॉलो करते थे वो कहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, है ना सो so, हिंसा और टकराव के बजाय आपको धैर्य और मेल मिलाप से बातचीत से अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एड्रेस करवाना है रिफॉर्म्स लाना है और सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करनी है मॉडरेट्स थे क्या कहते थे प्रेयर पेटिशन एंड पीसफुल प्रोटेस्ट थ्री पी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे

सो so, मासिस को पॉलिटिकली एजुकेट करना है ना उनको राजनीतिक तरीके से सचेत करना कॉन्शियसनेस बढ़ाना उनकी और डिफरेंट इश्यूज पे पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करके गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना रिफॉर्म्स के लिए ये मॉडरेट्स की तौर तरीके थे ये मॉडरेट्स की स्ट्रेटेजी थी उनके मेथडोलॉजी थे फोर्थ द रिवोल्यूशनरीज होप्ड टू इंस्पायर पीपल बाय अपीलिंग टू पेट्रियोटिज्म करेक्ट आंसर है ना आपको पता है वो लोग क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में अगर आप को देखें तो वो क्या कह रहे थे कि आत्मनिर्भर है, आत्म है ना तो सेल्फ रिलायंस में विश्वास करते थे आत्मनिर्भर रहना डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की जरूरत नहीं है हम खुद अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हमारे हाथ में पूरा इंडिया के जो पावर्स हैं जो कंट्रोल हो वो इंडियंस के हाथ में हो रेदर गवर्नमेंट के हाथ में तो सेल्फ रिलायंस में विश्वास करते थे कि इंडिया, इंडिया के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट केवल इंडियंस कर सकते हैं अगर कोई फ्रीडम दिला सकता है तो उसके लिए हमें खुद को एफर्ट करना हो मारना होगा हमें सेक्रीफाइज त्याग करना होगा है ना हमें त्याग करना होगा और ये लोग क्या कहते थे कि हम लोग क्या करेंगे जो भी अनपॉपुलर ऑफिसर्स हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं या ऐसे रिवोल्यूशनरीज हैं जो अपने ही साथियों के बारे में हम इनका मर्डर करेंगे और इससे क्या होगा ब्रिटिशर्स के मन में तो फियर क्रिएट हो जाएगा लेकिन हमारे लोगों के मन में ब्रिटिशर्स का जो फियर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा उनके अंदर सेक्रीफाइस करने की एक भावना डेवलप होगी और ये लोग यहां पे आपके जो रशियन निहिलिस्ट हैं, रशियन और जो आयरिश रिवोल्यूशनरीज हैं उनके मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे थे ठीक है सो इन्होंने पहले क्या देखो जो रिवोल्यूशनरीज है क्रांतिकारी हैं उनको पहले लगा था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं लाल बाल पाल हम इनके तौर तरीकों को अपनाएंगे लेकिन फिर उन्होंने क्या देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसमें इतने एफर्ट्स लगाए उसके अगेंस्ट इतने एफर्ट्स लगाए एंटी पार्टीशन मूवमेंट में हिस्सा लिया स्वदेशियन बॉयकॉट में लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल के आया और 1908 तक तो ऑन ग्राउंड कोई भी एक्टिविटी करना मुश्किल हो गया था मॉडरेट्स इनकी आइडियोलॉजी में विश्वास करते नहीं थे सो क्या किया जाए एक बार इन्होंने सोचा कि यार आम जनता को भड़काते हैं है ना जो मासे से उनको मास करते हैं और एक वायलेंट रिवोल्यूशन लेके आते हैं एक मास वायलेंट रिवोल्यूशन आम जनता की हेल्थ से सशस्त्र विद्रोह करते हैं आर्मी में म्यूटी नहीं करवाते हैं लेकिन फिर इनको लगा अभी पॉसिबल नहीं है ये सो so इन्होंने इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन जो है उसको अपना रास्ता चुना फोर्थ इज द करेक्ट आंसर सो दे वांटेड टू टू इंस्पायर द पीपल बाय अपीलिंग देर Patriotism. चल चलिए यस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे में देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है चलिए गाइस क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन यार ये बहुत लैग हो रहा है क्या लॉर्ड कर्जन फॉर्म्ड पुलिस कमिश्नर अंडर द लीडरशिप ऑफ ये तो कल परसों करवाया है एंड्रयू फ्रेजर कमीशन है ना सो लॉर्ड कर्जन ये थे आपके इनके पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो आपका सिक्सटीन अक्टूबर 1905 को इन इफेक्ट आया राइट लॉर्ड कर्जन जो है इनको वाइस रॉय ऑफ कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कमीशन जो है उनको बिठाया सो so, एक एंड्रयू फ्रेजर कमीशन बिठाया गया जो आपके पुलिस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था एक बार देख लेते हैं कि फ्रेजर कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी तो फ्रेजर कमीशन ने क्या कहा कि एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए ऑफिसर्स के लिए एंड कॉन्स्टेबल्स के लिए ठीक है इट रिकमेंडेड अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स एंड द कांस्टेबलस की एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए और क्या कहा कि प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज होनी चाहिए सो so, एक सेंटर में सर्विसेज है एक प्रोविंशियल लेवल पे भी प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज होनी चाहिए स्टेट पुलिस सर्विस जो हम कहते हैं और क्या कहा कि जो इंडियन आर्मी है उसके मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है उसके आधुनिकीकरण की जरूरत है जो उस टाइम के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर है उनके द्वारा मिलिट्री में फिर रिफॉर्म्स लाए भी गए जहां तक आपके विलियम हंटर की बात है सो आपको याद होगा हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882 है ना हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882 जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था मैंने आपको पढ़ाया है हंटर कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं मोस्टली आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लेके हैं तो इसने क्या कहा था इसने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट की बहुत जरूरत है जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये जो प्राइमरी एजुकेशन का काम है ये जो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स बने हैं लोकल जो बॉडीज है इनको हम सौंप सकते हैं और क्या कहा इन्होंने इन्होंने कहा कि सेकेंडरी लेवल पे हम क्या करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ मॉडल स्कूल्स खोलेंगे और बाकी फिर सेकेंडरी स्कूल्स में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लेवल पे स्कूल्स को खोल सकते हैं फिर कहा कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं इनका जो करिकुलम है उसको हमें दो भागों में बांट देना चाहिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग जो लोग आगे अपना आ, आ, वो के, आ, ये करना चाहते हैं बिजनेस वगैरह सेटअप करना चाहते हैं और जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा आपका नॉर्मल एजुकेशनल करिकुलम होगा है ना उनका नॉर्मल एजुकेशन करिकुलम होगा जो उनको यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर करेगा और क्या कहा कि फीमेल्स का एजुकेशन स्पेशली आपके जो बॉम्बे कलकत्ता एंड आपका ये मद्रास प्रेसिडेंसी है इनके बाहर स्पेशली वुमेन के एजुकेशन में नए स्टेप्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ये सारी बातें जो हैं ये आपके हंटर कमीशन ऑफ 1882 ने कहा uh, ने रिकमेंड की थी उन्होंने कहा था और इनके सामने आपको पता होगा कि ज्योतिबा और एनी आपकी ये पंडिता रमाबाई सरस्वती जी जो हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती जी और ज्योतिबा फुले जो हैं ये इनके सामने गए थे उन्होंने भी अपनी बातों को रखा था इसके अलावा विलियम हंटर कमिटी जो है वो आपका जलियान वाला बाग मैसेकर जो हुआ उसमें इंक्वायरी करने के लिए भी बिठाई गई थी जिसको ऑफिशियली हम डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी कहते हैं और दो हंटर कमेटी या डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी ने जो जनरल डायर हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था लेकिन कोई भी पनिशमेंट रिकमेंड नहीं की थी और इसीलिए गांधी और इंडियंस नाराज थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने का एक ये कारण था बाकी कर्जन के टाइम पे आपका कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आता है और इसमें क्या किया गया इसके अंदर जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका नंबर बढ़ा दिया गया और जो नॉन ऑफिशियल्स यानी जो इंडियंस हैं है ना जो इलेक्टेड ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको घटा दिया गया सो so, ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके आपके जो इलेक्टेड ओ, अ, मेंबर्स हैं है ना ये जो इंडियंस हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया और इससे भी इंडियंस काफी नाराज थे इनके टाइम पे आपका एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904 भी आया कहा गया कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है ये एक ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा और ऑफिसर्स को क्या कहा गया कि जितने भी आपके एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए इनके संरक्षण के लिए स्टेप्स लीजिए बाकी पार्टीशन ऑफ बंगाल ये सी पीरियड का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जिसके बाद में आपका एंटी बंगाल पार्टीशन या स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू किया गया आपका जो रेले कमीशन है यूनिवर्सिटीज कमीशन इसके टाइम पे ही बिठाया गया जिसने आपका बाद में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 जो है इसके फॉर्मेशन में

बाकी मैंने आपको उस दिन यह क्वेश्चन करवाया था उसी का यह स्क्रीनशॉट है है ना फ्रेजर कमीशन फेमिन कमीशन है commission, commission जो इसके पीरियड में बिठाया गया स्कॉट मॉन्ट्रिफ आपका इरिगेशन कमीशन है एंड रॉबर्टसन आपका रेलवे कमीशन सो इन कमीशन को आपको याद रखना है इसीलिए कर्जन को हम वाइस ऑफ कमीशन कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यूपी पीसीएस की है ना अगर आप यूपी का जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डू वन थिंग कहा जाता है कि आपका आई डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस बट यस व्हाट आई नो कि आपका जो यूपी पी का सिलेबस है और यूपीएससी के सिलेबस में बहुत सारे सिमिलेरिटीज हैं तो आपको करना क्या है आप अपना एनसीआर पढ़ना शुरू कर दीजिए ठीक so, है सो आपकी पॉलिटी है इकोनमी है हिस्ट्री है ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है इसकी एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो रोज न्यूज़पेपर पढ़िए एक नेशनल डेली पढ़िए एक आपका कोई लोकल न्यूज़पेपर जो आता है यूपी का जो उसमें आपको खबर मिल जाए थोड़ा सा है ना ठीक है तो वो थोड़ा सा एक बार न्यूज पेपर थोड़ा सा देखते रहिए कि क्या हो रहा है गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेके आ रही है क्या कर रही है ठीक है सो ये थोड़ा सा आदत डालो बाद में इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आपकी रेफरेंस बुक्स वगैरह होती है वो पढ़िएगा सबसे पहले syllabus, exam का pattern, है ना उसके बाद में basic NCRT's को पढ़ना previous के question papers को देखना वगैरह के टच में जाना ये सब आपको करना है पोर्चुज एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया कैलिकट राइट सो पोर्चुज जो है 1498 में हम देखेंगे कि वास्कोडी गामा एक नई सी रूट के वाया भारत पहुंचते हैं उनका जो वो कार्गो लेके गए थे सामान खरीद के यहाँ से वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है तो जितना उनका ट्रेवल का खर्चा हुआ था है ना उसके सिक्सटी टाइम्स दाम पे उन्होंने वो सामान बेचा था तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था अपने इंडिया के जो इंडिया की ये क्या बोलते हैं इंडिया के जो उन्होंने ये इंडिया भारत आए और जो यहाँ से सामान लेके वापस गए है ना सो so, उन इंडिया जो पहुंचा और सामान लाने ले जाने का लाने का लाने जो खर्चा है उससे भी ज्यादा उनको बहुत टाइम्स का प्रॉफिट हुआ इतना प्रॉफिट हुआ तो बाकी भी इस ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो पोर्चुगीज मर्चेंट कंपनीज जो है वो यहाँ पहुंचने लगे सो so, आप देखोगे कि पोर्चुगीज जो है 1505 में इनके फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर अल्मीडा बनते हैं जो 1509 तक रहते हैं जिनके पीरियड में आपका बैटल ऑफ चौल दीव दमन ये फाइट किया जाता है चौल में तो पोर्चुगीज हार गए थे लेकिन दीव दमन में ये जीत गए इन्होंने इज़िप्ट, टर्की आपके गुजरात कैलिकट के कम रूलर्स की जो कंबाइंड आर्मी है उसको हरा दिया था 15 10 में इसको रिप्लेस करता है जो फिफ्टीन तक रहता है अलब्यू कर्क है ना इसके टाइम पे आपका बैटल ऑफ गोवा होता है और गोवा जो है वो आ, आपके पोर्चुगीज के कंट्रोल में आ जाता है ये लोग बीजापुर के रूलर से गोवा जो है उसको स्नैच कर लेते हैं ठीक है so, सो गोवा गोवा गोवापुर रूलर इन द बैटल ऑफ गोवा बाय द दोर्चुगेज फोर्सेस अंडर अल्ब्यू कर्क जिसने भारत में पोर्चुगीज कॉलोनाइजेशन की शुरुआत करी थी सो so, इनका फर्स्ट बेस आपका कैलिकट में है फिर कोची में है है ना आपके न्नोर में है बाद में आप देखोगे कि गोवा में तो इन्होंने फिफ्टीन थर्टी में अपनी कैपिटल बनाई है लेकिन इससे पहले गोवा में फिर आपके दीव दमन है ना इनके अंदर भी इनका कंट्रोल हो चुका था, जैसा कि हमने देखा आपका बैटल ऑफ दीव दमन तो दीव पे दमन पे गोवा पे भी इनका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया था ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट्रीज थी मैप एक बार देख लीजिए यह आपका कैलिकट है कोची है कन्नूर है गोवा है ना आपका देव दमन इधर अगर हम देखें तो यनम में भी इनका कंट्रोल था जो बाद में आ, आ, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ले लिया था एनीवेज, सो यहाँ देख सकते हैं हुगली पे भी इनका कंट्रोल था पहले सो so पोर्चुगीज जो है उनके बेसिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे पूरा जो पोर्चुगीज है उनकी एक्टिविटीज को लिखा गया है ठीक है पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है सो आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से पोर्चुगीज जो है वो इंडिया में एक पावर की तरह एस्टेब्लिश होते हैं और किस तरीके से फिर धीरे धीरे करके इनके जो बाकी बेसिस हैं इंग्लिश के हाथ में चले जाते हैं डच के हाथ में चले जाते हैं कुछ फ्रेंच के हाथ में चले जाते हैं और लास्ट में ये लोग केवल गोवा दमन दीव वाले एरिया में रह गए थे गोवा से तो ऑपरेशन विजय के बाद में इनको भगाना पड़ा था है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीएल की कमेंट्री देखते रहो यहां पे क्वेश्चन सोल्व कर लो फटाफट से चलिए विच ऑफ द फॉलोविंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सो इनमें से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है यार इजी क्वेश्चन है ऐसे मतलब ये तो ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन देखा आंसर क्वेश्चन देखा आंसर किताब खोले कितने दिन हो गए तुम लोगों को स्वदेशी एंड बॉयकॉट के अंदर आपको पता है स्वदेशी गुड्स जो हैं खादी जो है जो इसको पॉपुलराइज किया गया फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया आपकी जो ब्रिटिश स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं कोर्ट्स हैं इनको बॉयकॉट किया गया पुलिस थानों को बॉयकॉट किया गया और इसके जगह पे नेशनल स्कूल जैसे कि आपके काशी विद्यापीठ है गुजरात विद्यापीठ है आ, आपके आ, आ, ये जामिया स्कूल जो है अलीगढ़ में है ना जामिया जो आपकी जामिया मिलिया है अलीगढ़ में इसको एस्टेब्लिश किया गया काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ ये सब आपका कब आया है नेशनल मूवमेंट के आपका जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके टाइम पे जो बंगाल नेशनल कॉलेज है उसके आपके ये बनते हैं प्रिंसिपल बनते हैं सुभाष चंद्र बोस सो यस नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस ये सब एस्टेब्लिश किए गए है ना सो so, एक तरीके से नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट से शुरुआत हुई थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी आप देखोगे आपके प्राइवेट पंचायती कोर्ट्स को इनके कोर्ट्स को तो हम बॉयआउट कर रहे थे तो हम अपने पंचायती कोर्ट के वाया अपने जो पेटे डिस्प्यूट है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारे आपको पता है लॉयर्स जो है उन्होंने अपना लॉयर ये लॉयर का जो प्रोफेशन है ये गिव अप कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे मोतीलाल जी हैं जवाहरलाल नेहरू हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जे बी कृपलानी हैं सो इंपॉर्टेंट लॉयर्स लॉयर्स जो है उन्होंने अपना लॉयर का प्रोफेशन गिव अप कर दिया था कॉलेजेस का बॉयकॉट किया जा रहा था और नेशनल स्कूल्स एंड होंगे इनको बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया गया था दो सी आर दास है मोतीलाल नेहरू है ये लोग पक्ष में नहीं थे काउंसिल कि हम लोग जो काउंसिल्स हैं उनका बॉयकॉट करें उनका बहिष्कार करें लेकिन कांग्रेस का जो डिसिप्लिन है दे बोट डाउन टू इट एंड यस इट वॉज डिसाइडेड की आपका जो नाइनटीन नाइनटीन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके अंदर जो इलेक्शन होंगे उनको हम बॉयकॉट करेंगे सरेंडरिंग ऑफ द टाइटल्स एंड द ऑनररी पोजिशन यस क्या कहा गया था जितने भी इन्होंने हमें उपाधियां दी हैं जो ऑनररी पोजिशन दी हुई है उसको भी हम त्यागेंगे तो ये नॉट लिखा है कि नॉट ऑनररी पोजिशन इसलिए ये गलत है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यस yes. टेगोर जो है उन्होंने शांति निकेतन यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को कीजिए बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टर्मिनेटेड अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वगैरह तो हमने अभी रिवाइज हैं, है ना दिस इज इजी नाउ B is the correct answer Charter Act of 1813. मैंने आपको कहा था कि जो Charter Act of 1813 है, उसके वाया कंपनी की जो मोनोपली है ट्रेड पे उसको खत्म कर दिया गया केवल कंपनी की जो मोनोपली है इन ट्रेड विथ चाइना और टी उसको रखा गया था सो so, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट है इंडिया के अंदर है ना जो ट्रेडिंग राइट हैं इंडिया के अंदर उसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के वाया खत्म कर दिया गया था और अगर आप इन होल देखो तो 1833, ठीक so, है सो कंपनी की जो मोनोपोली है इन ट्रेड विद इंडिया चाइना एंड टी वो कंप्लीटली खत्म की गई 1833 के चार्टर के वाया लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड पे जो मोनोपोली थी वो 1813 के चार्टर के वाया ही खत्म कर दिया गया यस इन केस ऑफ इंडिया 1813 चार्टर एंड अगर आपसे पूछते हैं कि नॉट इन केस ऑफ इंडिया इन जनरल तो 1833 के चार्टर के वाया कंपनी के जितने भी स्पेशल प्रिवेजेस थे ट्रेड को लेके वो खत्म हो गए यार हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ठीक है वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द थिंग्स सो आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1813 का चार्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है है ना तो वापस वापस नहीं करेंगे लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस खान अब्दुल गफर खान अब यहाँ पे जो लोग आंसर ए कर रहे हैं ठीक है ये आप लोगों को ना क्वेश्चन सही से पढ़ने के लिए मैंने सौ बार कहा है, पता है ये क्वेश्चन ना आपके ईपीएफओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पे पब्लिकेशन पूछे हैं। खान अब्दुल गफर खान फ्रंटियर गांधी है ना जिनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता था हम इनको पढ़ते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे कि इनकी जो खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड ये जो सोसाइटी है ये बहुत अच्छा काम कर रही थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को है ना और यहां पे हम पढ़ते हैं पख्तून आपकी पुश्तो लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज के अंदर आपके पखतून ये जो मंथली मैगजीन है इसका पब्लिकेशन इन्होंने शुरू किया था तो आंसर आते हुए भी आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं है ना क्योंकि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते तो आप इसको गलत नहीं करते हैं यंग इंडिया तो गांधी जी का है है ना यंग इंडिया गांधी जी का पब्लिकेशन है इट वॉज इंग्लिश वीकली बाय गांधी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज करेक्ट अबाउट सिक्किम इन ब्रिटिश इंडिया सो पिछले साल एक क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोविंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू असम इन ब्रिटिश इंडिया सो हो सकता है अब आने वाले सालों में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ठीक है तो ये उसी लाइन पे एक क्वेश्चन है ऑफ द इज करेक्ट अबाउट सिक्किम इन ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग रूल राजा फॉर अ फी ऑफ रूपीज थ्री थाउजेंड पर एन एम आफ्टर एटीन नाइंटी सिक्किम बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट एंड वाज ग्रेजुअली ग्रांटेड मोर सोवरेनिटी इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि आप इन ज़... जब जनरली इसको पढ़ रहे होते स्टैंडर्ड तो तो टेक्स बुक्स में इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो so, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इनको देखते हैं आप यहाँ पे क्या देख रहे हो 1717 से 1733 के बीच में किंगडम ऑफ सिक्किम जो है इसमें नेपलिस फोर्सेस जो हैं इनका और जो भूटानिस फोर्सेस हैं आपको पता है ये आपका सिक्किम है यहाँ भूटान है और यहाँ पे आपका नेपाल है तो नेपलिस और अब है ना इन दोनों ही फोर्सेस के यहाँ पे रेड्स चलती रहती थी और यहाँ पे इनको हेल्प कौन कर रहा था इनको यहाँ पे हेल्प कर रहा था आपका चाइना ठीक है चाइना तो नेपलिस फोर्सेस की जो रेड है और जो आपकी भूटानिस की रेड है सिक्किम के ऊपर इसमें सिक्किम की को हेल्प कौन कर रहा है चाइना हेल्प कर रहा था क्यों क्योंकि नेपाल और इसकी जो फोर्सेस हैं ये तिब्बत वाला जो एरिया है यहाँ पे भी रेड मारते थे और चाइना में जब भी कभी स्ट्रोंग रूलिंग डायनेस्टी होती थी वो तिब्बत को क्लेम करती थी कि तिब्बत उनका हिस्सा है सो so ये चल रहा था ऐसे में आप क्या देखोगे आप देखोगे कि जो नेपलिस हैं ये एक तरफ इंडिया का जो तराई वाला एरिया है आपका यूपी बिहार का यहां पे भी रेड मारते थे यहाँ पे भी रेड मारते थे तो आप क्या देखोगे कि जो सिक्किम है इन्होंने ब्रिटिश जो है इनके साथ में हैंड्स जॉइन किए है। आपके फर्स्ट एंग्लो नेपलिस वॉर में फर्स्ट एंग्लो नेपलिस या आपके फर्स्ट गोरखा वॉर के अंदर या एक ही हुआ था तो आप इसको एंग्लो नेपलिस वॉर या गोरखा वॉर भी कह सकते हो जिसमें गोरखास जो है वो हार गए थे और यहाँ पे नेपाल जो है वो रेडी हो गया था कि ठीक है हम एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उसको भी रखेंगे हम आपका कुमाऊ गढ़वाल वाला जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर करते हैं तराई वाले एरिया पे अपना क्लेम छोड़ते हैं और सिक्किम से भी विड्रॉ करते हैं बाद में क्या हुआ 1835 में सिक्किम के राजा से दार्जिलिंग जो है इसको हमने लीज पे लिया लेकिन ब्रिटिश इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं है ना अपनी कंपनी की तरह ही काफी एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस रखते थे तो इन लोगों ने क्या किया इन्होंने जो मोरांग रीजन है सिक्किम का इसके ऊपर भी अपने टैक्सेशन के क्लेम्स असर्ट करने शुरू कर दिए यहां से भी इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया इसी के चलते मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कल कि किस तरीके से सिक्किम का जो राजा है उसने दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कैप्चर करके अपने पास रख लिया था डेलाउजी ने कहा कि इनको रिलीज करिए जब सिक्किम के रूलर ने नहीं रिलीज किया तो आप क्या देखते हो कि डेलाउजी ने सिक्किम के ऊपर अटैक कर दिया और सिक्किम का कुछ एरिया जो है वो ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर लिया गया था 1890 में सिक्किम जो है ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया कि आप हमारे संरक्षित स्टेट हैं केवल आपका जो डिफेंस है फॉरेन अफेयर्स है कम्युनिकेशन है ये आप हमें सरेंडर कर रहे हो बाकी आप इंटरनली इंडिपेंडेंट हो आप जैसे चलाना चाहो वैसे आप सिक्किम को चला सकते हो जब आजाद हुए तो सिक्किम के अंदर चौग्याल डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी और सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था यहाँ के रूलर यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं हम इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते तो अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया सो so बेसिकली जो पावर्स पहले ब्रिटिश कंट्रोल में थे अब वो किसको हो गए इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गए लेकिन बाद में आप क्या देखोगे यहाँ पे आप देखोगे कि सिक्किम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं Just a 1975 सिक्किम सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि आप सिक्किम को इंडिया का एक स्टेट बना लो। नहीं ये अरेंजमेंट सही नहीं है हम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते हैं तो फिर आपका थर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और सिक्किम इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा बन गया और आपके आ, डिफरेंट शेड्यूल्स जो है उनके अंदर और डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह उनमें चेंजेस किए गए और सिक्किम जो है वो इंडिया का फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया ठीक है क्लियर है ये सबको so हम क्या देख रहे हैं सिक्किम के अंदर आपकी चोग डायनेस्टी के जो लोग हैं वो लोग रूल करते हैं लेकिन यहाँ पे एक तरफ से नेपाल का एक तरफ से भूटान का रेड्स होता रहता है पहले चाइना इनको हेल्प करने आता है बाद में नेपालीज जो है वो ब्रिटिश टेरिटरीज पे भी रेड मारते थे तो सिक्किम के रूलर और ब्रिटिशर्स ने हाथ मिलाकर के गोरखास को हराया फर्स्ट एंग्लो नेपाली वॉर के अंदर बाद में क्या हुआ सिक्किम के ही ब्रिटिश जो है है ना उनके साथ में इनके कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हो गए इनके रिलेशंस सही नहीं थे देयर वर टेंशनस इन द रिलेशंस बट धीरे धीरे फिर वापस से जब सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया तो रिलेशनशिप रिलेशन वर गुड और आजादी के टाइम पे भी ये हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट था बाद में एसोसिएट स्टेट बना एंड फिर फुल फ्लेजेड स्टेट बना चलिएउट लीगल प्रॉब्लम महात्मा गांधी वॉज इन्वाइटेड टू साउथ अफ्रीका इन एटीन नाइनटी थ्री इजी है सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यस yes, है ना सब लोग आंसर कर ही रहे हो दादा अब्दुल्ला ऑफ गुजरात तो यहीं से गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत भी होती है 1894 में बेसिकली दादा अब्दुल्ला ऑफ गुजरात जो हैं ये अपने केस के सिलसिले में गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाते 1893 में और उनको कहते हैं कि यार देखो प्रिटोरिया आना है ट्रांसवाल प्रोविंस में तो ट्रेन से आ जाओ और गांधी जी यहाँ पे क्लास वन का टिकट लेके बैठते हैं लेकिन जब ये आपके नेटाल प्रोविंस के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक वाइट ट्रेन में चढ़ता और वो कहता है कि ये कैसे एक ब्लैक जो है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट uh, में कैसे बैठ सकता है है ना तो ये इनको इनको तो ये अलाउड ही नहीं है तो वो एक व्हाइट ऑफिशियल को बुला के लाता है वो गांधी जी को कहता है यू कैन नॉट सिट हियर सो गांधी गांधी जी कहते गांधी जी कहते हैं आई हैव द टिकट बट फिर को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है अलोंग विद लगेज और यहीं से गांधी जी का सत्याग्रह शुरू होता है 1894 से आप क्या देखोगे 1906 तक वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन का सहारा ले रहे थे इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर शुरू किया नेटनल कांग्रेस जो है उसको फॉर्म किया बट उसके बाद में कुछ और भी चीजें होती हैं जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इश्यू होता है है ना पोल uh, टैक्स जो वहां पे लगाया जाता है जो इंडेंचर्ड लेबर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जिनका कॉन्ट्रैक्ट uh, खत्म हो गया उनके ऊपर या फिर आपका इंडियंस का नेटल से ट्रांसफॉल प्रोविंस यहाँ से जो माइग्रेशन है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होते हैं या वहां के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है जो कहता है कि आपके क्रिश्चियन कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो शादियां नहीं हुई है वो सब इलीगल हैं तो यहाँ पे गांधी जी जो है फिर आपका पैसिव रेजिस्टेंस जो हम सही मायने में सत्याग्रह कहते हैं कि ट्रुथ के लिए खड़े रहो लेकिन नॉन वायलेंस का रास्ता फॉलो करते हुए वो गांधी जी यहाँ पे डिजाइन करते हैं और आपको पता होगा इसी टाइम पे गांधी जी जो है वो आपका टॉल स्टॉय फार्म, फार्म जो है उसको भी एस्टेब्लिश करते हैं ताकि जो इनके सत्याग्रही उनको कुछ काम मिलता रहे और उनका परिवार जो वो है भूखा ना मरे है ना सो दादा अब्दुल्ला ऑफ गुजरात जो है इनके केस के सिलसिले में गए थे चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज यस पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन जो है वहां पे उनको फेंक दिया गया था है ना पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंडिगो रिबेलियन ऑफ बंगाल चलिए नील विद्रोह का क्या कारण था मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है बी यस बी इज द करेक्ट आंसर है ना सो so, जो आपका इंडिगो रिबेलियन है 1859-1860 का आपके बंगाल के नडिया डिस्ट्रिक्ट से यह शुरू होता है और आप यहाँ पे क्या देखोगे यहाँ के जो किसान है उन्हें जोर जबरदस्ती से इंडिगो नील की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस या धान जो उनको मार्केट में ज्यादा अच्छे प्राइजेस दिलवा सकती थी पहले किसानों को फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे फ्रॉड से उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते थे है ना उनको लोन दिया जाता था कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज थी नहीं इसमें लिखा क्या है फिर इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को इनके अगेंस्ट यूज किया जाता था और अगर किसान कहे नहीं मुझे इंडिगो नहीं उगाना है तो या तो उसको जाती थी, या इसके बच्चों को दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास जो विश्वास ब्रदर्स है वो नडिया में सबसे पहले रिवोल्ट का झंडा उठाते हैं वो कहते हैं हम नहीं उगाएंगे इंडिगो जो करना है कर लो धीरे धीरे ये आपके ऑलमोस्ट पूरे है ना पूरे बंगाल बिहार वाले एरिया में इंडिगो रिबेलियन फैल जाता है और लोग जो है वो इंडिगो कल्टीवेट करने से मना करने लगते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि नील दर्पण जो है दिनबंधु मित्रा का है ना द मिर टू द इंडिगो सो नील दर्पण जो है वो हमें इंडिगो प्लांट जो आपके इंडिगो पेजेंट्स हैं इंडिगो कल्टीवेट करने जो वाले जो किसान हैं उनकी रियल कंडीशन को हमारे सामने पोर्ट्रेट करते हैं हिंदू पेट्रियोट करके एक न्यूज़पेपर था हरीश चंद्र मुखर्जी का हिंदू पेट्रियोट वो भी हमें जो इंडिगो फार्मर्स की रियल कंडीशन है उसके बारे में बता रहा था बंगाल का जो इंटेलिजेंसिया है जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने इसको काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया इनफैक्ट जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं आपके जो ये हैं रूरल पॉपुलेशन है पूरा ग्रामीण पॉपुलेशन जो है उसका इंडिगो रिबेलियन को बहुत अच्छे से सपोर्ट बेस मिला बाद में गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस तो किया फिर एक ये लोग शुरू में जो है वायलेंस का इस्तेमाल भी कर रहे थे इंडिगो रिवेलियन के अंदर ठीक है क्योंकि इन, जो आपके प्लांटर्स होते थे इनके पास लाठियाल्स होते थे और ये जोर जबरदस्ती से जो स्ट्रांग मैन होते हैं उनके वो किसान से अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करवाते थे तो इनको भी एक काउंटर फोर्स बनानी पड़ी थी बट धीरे धीरे इन्होंने लीगल सिस्टम को यूज करना शुरू किया और अपनी डिमांड्स को लीगली फिल करना फिल करना शुरू किया कोर्ट केसेस वगैरह फाइल करने शुरू किए इंडिगो कमीशन बिठाया गया इंक्वायरी के लिए कि क्या रियल इशू क्या है यहाँ पे और इंडिगो कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 1860 में और उसमें कहा गया कि आप किसी को भी जोर जबरदस्ती से इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते ये इलीगल है ये इलीगल है ये आपका डेक एंड से जुड़ा हुआ है जो 1875 के हैं वेद समाज वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ यस क्रेजी बिल्कुल आपको यहां से पूछा गया है कि वेद समाज जो है वो किसके विचारों से प्रेरित था रामकृष्ण मिशन प्रार्थना समाज सनातन धर्म या ब्रह्म समाज यार ये हमने हजारों बार कर लिया है कि केशव चंद्र सेन जो हैं वो मेड्रास विजिट पे गए थे यहाँ पे श्रीधरालू नायडू जो है उनसे मिले और फिर वेद समाज जिसको हम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं इसको एस्टेब्लिश किया गया है ना ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सो so, के श्रीधरालू नायडू तो जिस तरीके से ब्रह्म समाज जो है वो मोनोथिज्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है आइडोल वर्शिप या मूर्ति पूजा के खिलाफ है वुमेन के राइट्स के लिए स्टैंड अप है ना वुमेन जो है उनके राइट्स के लिए वॉइस अपनी वॉइस लेंड कर रहा था या फिर आपका क्या बोलते हैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करना है ना इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स यही सारी बातें आपका वेद समाज भी कर रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अभी ना दस मिनट में रेपिडली सारे क्वेश्चंस को खत्म करते हैं फोर्टीन से ट्वेंटी टू देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो ठीक है चलिए फटाफट से विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट चलिए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जीके गोखले फॉर्मली अप्रूव्ड द स्वदेशी मूवमेंट एट कलकत्ता सेशन इन 1905 बाल गंगाधर तिलक गेव अ कॉल फॉर राखी बंधन एज अ टोकन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बताइए चलिए फटाफट से जैसे करेक्ट आंसर आएगा आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ये बिल्कुल कोमार लोखांडे ने कितनी देर हो गई कब से साउंड नहीं आ रही है हम्म दिस इज नॉट कैलकटा दिस इज बनारस ओके ये हम पढ़ चुके हैं और रक्षाबंधन डे सिक्सटींथ अक्टूबर नाइनटीन जीरो फाइव जब पार्टीशन ऑफ बंगाल इन इफेक्ट आएगा ये रविंद्रनाथ नाथ टेगोर ने कॉल दिया था बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी को का कहा इट इज योग ऑफ बहिष्कार ये भी एक तरीके से योगा है हमारे लिए और टेगोर जो है उन्होंने शांति निकेतन एंड सतीश मुखर्जी जो इन्होंने डाउन सोसाइटी एज पार्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन विच इज वन ऑफ द एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ये सब किया था एस्टेब्लिश किया था और कुछ नहीं बताया नेक्स्ट क्वेश्चन यार तुम लोग ना बहुत स्लो स्लो करते हो इतना पढ़ाने के बाद में भी फटा फटाफट करो चलो बताइए चलिए इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसके ट्रायल्स के बारे में क्या सही नहीं है भाई इसका आंसर करो हम्म आई एन ए ट्रायल्स जो है इनको हम रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं क्योंकि आपका जो रेड फोर्ट है लाल किला जो है वहां पे ये ट्रायल्स किए गए इनमें से जो सबसे फेमस जो ट्रायल है वो किनका है आपके कॉलोनल प्रेम सहगल गुरबाग सिंह धिलोन एंड मेजर जनरल शाहनवाज खान इन तीनों को एक मुस्लिम सिख और हिंदू को एक साथ में कटघरे में खड़ा कर दिया गया था एंड इट प्रोवाइडेड अ सोर्स ऑफ यूनिटी टू द इंडियंस सो यस इसको हम रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं क्योंकि जो ट्रायल्स हुए आपको पता है आपकी जो आई है इंडियन नेशनल आर्मी है ये किससे बनी थी जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स हैं, जो जापानीज़ ने पकड़ लिए थे आपके साउथ एशिया एंड जापान के अंदर और जो प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए थे उनको मिला के बनाई गई थी तो इन आईएनए के जो मेंबर्स हैं, है ना? बाद में जब आप क्या देख रहे हो अगस्त 1945 के अंदर जापान सरेंडर करता है तो आईएनए के जो थे वो जैपानीज फोर्सेस के साथ ही तो लड़ रहे थे तो इनको भी सरेंडर करना पड़ा और इनके ट्रायल चले ट्रायल में इन पे केस क्या लगाया गया था वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग एंपरर कि आप जो हैं ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे आप प्रिजनर ऑफ वॉर हुए तो आप एनिमी का साथ देने लगे जापान का साथ देने लगे यानी आप जो किंग एंपरर है है ना जो राजा है ब्रिटेन का उसके खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हो इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है क्यों क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये नवंबर 1945 होना चाहिए जापान ने सरेंडर ही अगस्त 1945 में किया है तो ये ट्रायल उससे पहले कैसे हो सकते हैं है ना 15th अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था तो नवंबर 1944 कैसे हो सकता है दिस शुड बी 1945 तो नवंबर 1945 से लेके मई 1946 तक के ट्रायल्स चलते हैं ओके okay? एंड यस कोर्ट मार्शल्स हुए थे है ना कोर्ट मार्शल्स हुए थे बहुत सारे ऑफिसर्स को तो बिना ट्रायल ही जेल में डाल दिया गया था जॉब से भी फायर कर दिया गया था आपको पता है कांग्रेस ने एक इनकी डिफेंस के लिए कमेटी भी फॉर्म की थी जिसमें तेज बहादुर सप्रू आपके अरुणा असफ अली जवाहरलाल नेहरू ये लोग शामिल थे इनके डिफेंस के लिए कांग्रेस ने डिफेंस कमेटी फॉर्म की थी और साथ ही में इनको थोड़ा सा इनकी फैमिली जो इसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए राशन पानी पहुंचाने के लिए है ना मॉनेटरी हेड एड प्रोवाइड करने के लिए भी कांग्रेस ने स्टेप्स लिए थे द क्रिएशन ऑफ अ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और कमीशन संघीय न्यायालय का प्रावधान इनमें से किस एक्ट में था चलिए विद इन सेकेंड्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ फेडरल कोर्ट यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव क्या कहा गया था कि मैक्सिमम सेवन मेंबर्स होंगे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सिक्स जो है जजेस ठीक है बता दिया आपको और 1937 में फाइनली इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज इंडिया फर्स्ट लेबर लीडर मच बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया बताइए ये लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद मैं कल कंटिन्यू करूंगी क्योंकि तुम लोग तो है ना एकदम धीरे 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 कल कंटिन्यू करेंगे कल शुरू से थोड़ा स्पीड पे करेंगे ठीक है सो यस एन एन एम एम लोखांडे नारायण मेघाजी लोखांडे जो हैं जिन्होंने बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन को फॉर्म किया था 1880 के अंदर दीन बंधु न्यूज लेके आए थे इनको हम इंडिया का फर्स्ट लेबर लीडर मानते हैं है ना? So, 1880s के अंदर, इन्होंने Meal Meal उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए और साथ ही में दीनबंधु न्यूज भी शुरू किया था इंडिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है हम शुरुआत अगर देखें फॉर्मल सेंस में तो आपको ये मेड्रास में देखने को मिलेगा मद्रास लेबर यूनियन 1918 में फॉर्म किया जाता है आपके बीपी वाड़िया जो है जो के, से भी जुड़े हैं। उनके द्वारा और फाइनली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्म किया जाता है 1920 के अंदर राइट right? 1920 के अंदर सो so, इंडिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के शुरुआत से पहले भी जो ट्रे, जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन लीडर माने जाते हैं वो आपके नारायण मेघाजी लोखांडे बेंगोली जो है ये क्यों जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इस बिल में वर्कर्स की बेटर कंडीशन के लिए कि जो लेबर है उसको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो ऐसे प्रोविजन थे एस एस बेंगोली शोराब जी शाहपुर जी बेंगोली शिपडा बैनर्जी जिन्होंने बंगाल के अंदर वर्किंग मैं क्लब एस्टेब्लिश किया था बीपी वाड़िया मैंने आपको बता दिया है है ना और लाला लाजपत राय जो अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं दीवान चमनलाल जो है वो सेक्रेटरी बनते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फर्स्ट मीट जो है वो बॉम्बे में हुई थी लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बनते हैं और दीवान चमन जो है वो फर्स्ट सेक्रेटरी बनते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन नाइनटीन झरिया में हुआ बैप्टिस्टा जो है वो इसके चेयरपर्सन थे और दीवान चमन ही सेक्रेटरी थे ये सेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि वर्कर्स ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल डिक्लेयर कर दिया था 1921 झरिया सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आगे चल के जवाहरलाल नेहरू भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1929 में एन एम जोशी जो आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आगे चल के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाते हैं सोशल सर्विस लीग जिन्होंने फाउंड की थी वो बहुत लंबे समय तक शायद 1925 से 29 तक पहले और उसके बाद में अगेन आ, 1940 से शायद 45 तक ही वाज दी सेक्रेटरी एक बार डेट देख लेना सो so, एनएम जोशी जो है वो एक बहुत लंबे समय तक आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के शेयर पर्सन रहे सो so, आप यहां देख सकते हैं बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है जी बिल्कुल आ गए आप अनुज हाँ सेशन खत्म हो गया हमारा Just a minute guys. यू पी का एग्जाम है ना अब रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है जितना पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो करंट अफेयर्स को देख के जाओ अब कुछ नहीं करना लास्ट मोमेंट पे जो कुछ पढ़ लिया है हिस्ट्री है पॉलिटी है इनको अच्छे से रिवाइज कर लो गवर्नमेंट की स्कीम्स को पढ़ लो करंट अफेयर्स जो हैं एक साल के अगर पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लो ठीक है और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देख लो अब यही कर सकते हैं अब पेपर आ गए हैं सो फोर्टीनथ मई को जिनका यू पी का पेपर है वॉट इज़ द सोल्यूशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देख लो करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लो हिस्ट्री पॉलिटी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको एक बार देख लो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह देख लो ठीक है hmm.